थे फॉर मेडिटेशन के लिए, शांति के लिए। यहाँ पे रुकते थे, ठहरते थे। उनके रुकने और ठहरने को पत्तन बोला गया। इसी पत्तन, जैसे समुद्र के किनारे बंदरगाह होता है, जहाज वगैरह पत्तन करते हैं, इसी तरह यह भिक्षुओं का पत्तन था, इसलिए इसका नाम ऋषि पत्तन था। और इसका दूसरा पुराना नाम सारंगनाथ भी था जी, क्योंकि जब भगवान बुद्ध यहाँ पे आए थे ज्ञान होने के बाद, तो यहाँ पे उस टाइम बहुत सारे डियर फ्रियली घुमा करते थे। ये पूरा डेंस फॉरेस्ट घना जंगल होता था, और बुद्धा ने सबसे पहला लेक्चर डियर पार्क में ही दिया था। तो सारंग संस्कृत वर्ड होता है, सारंग मीन्स होता है डियर, हिरण, नाथ मीन्स होता है गॉड, सारंगनाथ सारनाथ में कन्वर्ट हुआ, इसलिए अनेकों नाम थे सारनाथ के। ऋषि पत्तन, मृगदाह, सारंगनाथ, और अभी का नाम है सारनाथ। और सारनाथ बुद्ध का तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस था। पहला लुम्बिनी नेपाल, जहाँ पे बुद्ध का बर्फ हुआ था, लुम्बिनी गार्डन में 563 BC में, 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी गार्डन में उनकी महामाया अपने माइके का पिलोस्तु से जयदा जा रही थी, रास्ते में लुम्बिनी गार्डन पड़ता है, वहीं पे साल का ट्री रहता है। उस साल के ट्री को देख के काफ़ी मोहित है, उस साल के ट्री को ब्रांच को तोड़ना चाहती है, तभी हवा का झोंका बहता है, डाली थोड़ी और ऊपर चली जाती है, और जैसे ही डाली को खींचना चाहती है तभी बुद्ध का बर्फ हो जाता है, और बुद्ध बर्फ लेते ही 7 कदम चलते हैं, और जहाँ जहाँ उन्होंने पांव रखे वहाँ वहाँ लोटस खिलते चले, ऐसे बर्फ हुआ लुम्बिनी नेपाल। सेकेंड प्लेस आता है बोधगया बिहार, यहाँ से 300 किलोमीटर है ईस्ट साइड में, वहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनलाइटनमेंट हुआ। एक्चुअली बुद्ध अपने 5 शिष्य के साथ तपस्या कर रहे थे, फाइनली इनलाइटनमेंट नहीं हुआ तो उन्होंने हठ योग करना शुरू कर दिया, विदाउट फूड एंड वाटर, बिना अन्न बिना जल के, बॉडी सूट के कंकाल हो गया, बॉडी ब्लैक पड़ गया। तब वही बगल की जंगलों में ही सुजाता नाम की लेडीज रहती है, उनको खीर ऑफर करती है, बुद्धा एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन 5 शिष्य ये देख कर नाराज हो जाते हैं, वो कन्या के हाथ से क्यों खीर खा रहे हैं। तब वो बुद्ध से नाराज होकर 5 शिष्य बुद्ध को छोड़ के बोध गया से चल के सारनाथ आते हैं। ऑन द वे आप लोगों ने चौखंडी स्तूपा देखा होगा, वो स्तूपा नहीं था उस टाइम, वो 5th century कॉमन एरा में बना है, बुद्ध थे 6th century BC में, वो स्तूप बनने से 1000 साल पहले। वो 5 शिष्य यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि ये ऋषि पत्तन का जंगल था, भिक्षुओं का जंगल, तो वो लोग आके यहाँ पे रुके। फिर बुद्ध ने फिर से योग करना शुरू किया, तो जब वो मेडिटेशन के लिए बैठते थे तो उनको टेम्पटेशन अटैक करते थे, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब परेशान करते थे। तब उन्होंने भूमि को टच करते हुए गवाह माना कि या तो मुझे अब ज्ञान की प्राप्ति होगी या मैं अपना शरीर त्याग दूँ, तो ये सुनकर टेम्पटेशन जाते हो, और 49 दिन लगे थे बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति होने में, 7 वीक, 7 सप्ताह। फिर बुद्ध को इनलाइटनमेंट हुआ तो उन्होंने सोचा कि ज्ञान को देना चाहिए, बताना चाहिए, उनको काशी याद आया विद्वानों की नगरी। तो बुद्ध गंगा नदी बहती जा रही है पटना, तो पटना साइड गया साइड पकड़ते हुए गंगा नदी से आते हैं यहाँ पे सारनाथ, और यहीं पे ऑन द वे चौखंडी स्तूपा के पास 5 शिष्य रहते हैं। बुद्ध को आता हुआ देखते हैं और आपस में बात करते हैं, हम इनका स्वागत नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने कन्या के हाथ से खीर खाया। लेकिन जब बुद्ध पांचों शिष्य के पास पहुंचते हैं तो पीछे आभामंडल प्रकाश पुंज दिखने लगता है, तो वो 5वें शिष्य समझ जाते हैं कि इनको इनलाइटनमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो कोई उनके लिए बिस्तर बिछाता है, कोई चरण धोता है, ऐसे बुद्ध का वेलकम किया जाता है सारनाथ यहाँ पे। ऐसे बुद्धा ने अपने 5 शिष्यों को सबसे पहला उपदेश यहीं दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस आता है लास्ट प्लेस, कुशीनगर गोरखपुर, 4th प्लेस। वहाँ पे बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी डेथ हो गया 80 ईयर्स में। बुद्ध का बर्थ हुआ 563 और उनका डेथ हुआ 483 BC में। बुद्धा टोटल 80 ईयर जिंदा है, इसीलिए लुम्बिनी नेपाल सिद्धार्थ का बर्थ प्लेस, बोधगया बिहार बुद्धा का बर्थ प्लेस, दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ द बुद्धिज्म, क्योंकि यहीं से पूरे वर्ल्ड ने बुद्धिज्म।